Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to yet again another edition of the S Stories right here on Sophiya Anjam's official YouTube channel. आपको पता है कि जुमे के दिन 7 बजे हम आप लोगों से गपशप लगाते हैं तो इस दफा जो है मेरे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक का डिस्कशन था एंड दिस वॉज समथिंग दैट वॉज गोइंग ऑन इन माई माइंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. नाउ यू नो हाउ पीपल रियली वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, दे वॉन्ट टू बी एट द टॉप बट दे डोंट वॉन्ट टू वर्क फॉर इट. सो टुडेज एपिसोड इज गोइंग टू बी अबाउट देर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस. लेट्स गो एंड टेक अ वॉच. पॉइंट नंबर वन इज हार्ड वर्क. टॉप पर आपने पहुंचना है मगर मेहनत आपने नहीं करनी. सो ये चीज़ जो है आप अपने जहन में डाल दें. इफ यू रियली वॉन्ट टू बिकम सक्सेसफुल यू रियली हैव टू वर्क हार्ड टूवर्ड्स इट बिकॉज यू नो टुडेज डे एंड एज ऑफ द सोशल मीडिया यू जस्ट हैव टू डू समथिंग क्रेजी, समथिंग सिली एंड दैट्स इट. बूम, यू नो यू लाइक अ वायरल सेंसेशन ऑल टुगेदर. बट देन वायरल सेंसेशन आप कितने दिन के लिए होते हो? एक दिन, दो दिन, एक हफ्ता, एक महीना, मे बी सिक्स मंथ्स, अ ईयर. आफ्टर दैट वेयर आर यू, वेयर डू यू स्टैंड? सो हार्ड वर्क इज दैट वन थिंग दैट यू रियली हैव टू कीप इन माइंड. अच्छा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. मैंने इंटर्नी हायर किया. इंटर्नी को जो मैंने हायर किया मैंने उनको एक टास्क दी. मैंने कहा ठीक है बच्चे आपने ये काम करना है कि आपने पूरे महीने के ये चीज़ें ABC करके मुझे देनी है. अब असूली तौर पर तो अगर मैं इंटर्नी होती और एक हेड मुझे ये चीज़ बोल रही होती तो मैं सोच समझ के काम करती, थोड़ी मेहनत करती, थोड़ी रिसर्च करती, उसके बाद प्रेजेंटेशन देती. मुझे क्या आया? व्हाट्सएप के ऊपर 4 पॉइंट्स. कहाँ एक डॉक्यूमेंट है जो आपने फॉर्मेट करके बनाना है? कहाँ व्हाट्सएप के ऊपर 4 पॉइंट्स हैं? तो मेहनत किधर गई? दिस इज जस्ट अ ब्रीफ एग्जाम्पल. हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस. पॉइंट नंबर 2, डूइंग योर रिसर्च. दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तहकीक. अच्छा अक्सर आप देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर दैट यू नो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट स्टोरीज आर बीइंग शेयर्ड एंड ऑफन अ लॉट ऑफ पीपल विदाउट इवन डूइंग द रिसर्च, विदाउट इवन वेरीफाइंग द सोर्स, इज सॉर्ट ऑफ शेयर दोज स्टोरीज ऑल टुगेदर. एक तो व्हाट्सएप ग्रुप्स ने हमें ले बैठे हैं हमारी कॉम को. जो भी व्हाट्सएप ग्रुप आता है आपकी अम्मी की तरफ से, अब्बू की तरफ से, फुप्पो की तरफ से, चाचा की तरफ से, वो जो व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर एक चीज़ फॉरवर्ड आई थी तो वो चीज़ आपने ज़रूर करनी है. एक चीज़ है रियलिटी, एक चीज़ है मिथ. इन दोनों के दरमियान में एक ग्रे एरिया है. वी रियली हैव टू डू आर रिसर्च. नाउ वेन एवर यू टॉक अबाउट पीपल हु आर सक्सेसफुल दे डू देयर रिसर्च. हार्ड वर्क इज़ वेरी क्लोजली इंक्लाइंड टूवर्ड्स डूइंग योर रिसर्च. उसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ी लगन लगता है. सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू ऑलवेज डू योर रिसर्च. अनदर पॉइंट जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि है कंसिस्टेंसी का. अक्सर लोग क्या करते हैं जब वो जॉब्स भी ढूंढते हैं तो वो कंसिस्टेंसी नहीं शो करते, या अगर चले जॉब को छोड़ दें, आप कोई प्रोजेक्ट पकड़ लें, थोड़ी देर के लिए करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे. ठीक है, लॉट ऑफ टाइम्स पीपल माइट डिसएग्री ऑल्सो विद मी. दे माइट से नहीं भाई ठीक है, जो हमें चीज़ सूट करती है हम उस वक्त वो चीज़ करते हैं. बट ऑलवेज रिमेंबर दैट इन ऑर्डर टू ट्रूली सक्सीड इन लाइफ यू नीड कंसिस्टेंसी. ठहराओ और इस चीज़ को आपने थोड़ी अरसा प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो. बट कंसिस्टेंसी इज द ट्रू रेसिपी एंड द एक्चुअल रीजन फॉर सक्सेस. फिर आ जाते हैं जी पेशेंस. अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. बंदा इंपेशेंट होता है ना, अच्छा यार अभी तो मैंने काम किया था स्टार्ट, तो अभी मुझे मतलब मेरी सैलरी इंक्रीज क्यों नहीं हो रही, मुझे बोनस क्यों नहीं मिल रहा, यू नो मुझे कोई पुश क्यों नहीं कर रहा, मैं इस टॉप पे क्यों नहीं पहुंचा. वी रियली हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू शो सम पेशेंस. नाउ यू नो इफ आई गिव माई एग्जाम्पल, आई हैव बीन इन द रेडियो इंडस्ट्री फॉर द पास्ट अबाउट 13 ईयर्स. हो सकता है कि शुरू में मुझे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, मगर अगर मैं उसी वक्त अपनी पेशेंस लूज़ कर लेती, मैं कहती छोड़ो भैया, आई वॉन्ट टू गो समवेयर वेयर यू नो अब मैं मेरा सीन हो, आई हैव टू बी एट द टॉप, देन आई वुड नॉट हैव बीन हियर. सो दिस इज जस्ट वन ऑफ दोज एग्जांपल्स जस्ट टू टेल पीपल दैट पेशेंस इज अ वेरी की इंग्रेडिएंट टुवर्ड्स योर सक्सेस. ऑलवेज रिमेंबर दैट स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. फॉरगेट अबाउट द रैट रेस. फॉरगेट अबाउट द पॉइंट कि अच्छा ये चीज़ ट्रेंड कर रही है, ये बंदा ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा है, ये बंदे ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया है, हमें ये ट्रेंड फॉलो करना है. इट्स ओके, रिलैक्स. Take a breather, sip some coffee, just relax your mind, show some patience and inshallah you would succeed. Another very important point, which is going to be the second last point for this episode, is to learn. Now this is something that a lot of people don't do. They think ki wo to champion hai, unko to sab kuch pata hai, Mr. Know It All, Miss Know It All, bhai hame to sab kuch pata hai, hum kyun aapse seekhe. Always keep a keen ear and a keen eye. You have to observe people around you. You have to learn from your experience. And most importantly, जब आप गलतियाँ करते हैं तो आप सीखते हैं. इसीलिए ये चीज़ आपको हर फिलोसफी में, हर साइंस में मिलेगी कि when you make mistakes, do it. Don't fear your mistakes. You get up after you fall.
Once you fall, you get up. That is what you have to learn. You have to learn things around you and observe very well. Last but certainly not the least is to build relationships and build contacts, do your PR. ये चीज़ भी interconnected है, patience और consistency थे. अब ज़रूरी नहीं कि आप लोगों को देखें कि भाई उसकी तो बड़ी दोस्ती है उसके साथ, उसको देखो उसके साथ बड़ी अच्छी relationship है. वो इस तरह रात तो relationship किसी के साथ नहीं बनती ना. अगर आपने business contacts रखने हैं, professional एक experience किसी के साथ एक build करना है, you have to give it time. And in order to do that, you have to be there for people in their time of need. You have to support them in their time of need. You have to build your contacts and your PR through consistency. All right, ladies and gentlemen, hope that you guys enjoyed this edition of the S Stories right here on Sophiya Anjum's official YouTube channel. Keep the spirit alive is the tagline. And अक्सर जो है लोग मुझसे पूछते हैं कि आप थोड़े से sessions करें on, you know, being a successful person in your life. For me, I think success is very relative. For some people, success might be ठीक है हमने 30 साल की उम्र में एक अच्छा job करना है, बच्चे हमारे साथ छोटे-छोटे नजर आ रहे हों, एक अच्छा सा घर हो. For some people, success is different. For some people, nahi, hamari relationships are the important hai, hamari professional life itni nahi hai. Learn to find the balance and see what works for you. What is your criteria of success? Till now, thank you so much for your feedback. I'll inshallah catch you guys next Friday. Take care of yourself. Khuda hafiz.